फ्रेंड्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। मैं संजू शर्मा आज जो टॉपिक लेके आई हूँ आपकी शिक्षण की विशेषता में, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण एक सन व्यवसाय और शिक्षण विज्ञान और कला। ये हमारी शिक्षण की विशेषताएं हैं, ये हमारे शिक्षण की विशेषताएं हैं। विशेषताओं का ही हम वर्णन कर रहे थे क्योंकि विशेषताएं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके प्रत्येक विशेषताओं में से हमारे कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है, इसीलिए इन सभी प्रत्येक विशेषताओं का, जो शिक्षण की प्रत्येक विशेषताएं हैं, उनका मैं वर्णन कर रही हूँ। आज का टॉपिक है हमारा शिक्षण एक सन व्यवसाय, शिक्षण विज्ञान और कला। हम ये मानते हैं कि शिक्षण क्या है, हमारे लिए व्यवसाय है, क्योंकि हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो शिक्षण हम लेते हैं, उसका हम हमारे जीवन में प्रयोग करते हैं। आज के दौर की अगर हम शिक्षा देखें, आज के टाइम की हम आधुनिक शिक्षा को जाने, तो हमारे लिए जो हमारी शिक्षा है वो हमारी एक आजीविका का साधन बन गई है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमारी आधुनिक शिक्षा, आज के टाइम की शिक्षा किस तरीके से हमारे लिए एक व्यावसायिक शिक्षा बनी है, हमारे जीविकोपार्जन का साधन बनी है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों, मैं एक चीज बात बताऊंगी कि शिक्षण एक सन व्यवसाय क्यों है, क्योंकि यह जो शिक्षण होता है इसका ये मूल्य किस पर आधारित होती है, स्व आधारित होती है। जो सन व्यवसाय है हमारा, ये स्व आधारित है, स्व आधारित यानी कि हम जो शिक्षा लेते हैं, जो हम शिक्षा लेते हैं उसके बारे में ये हमारी सन स्वयं क्या हमारा व्यवसाय बन जाती है, यानी कि हमारे स्वयं पर आधारित होती है। जैसा हमने ज्ञान लिया, जैसे हमने शिक्षा ली, हम उस पर आधारित होकर हमारा कार्य करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का हम ज्ञान लेते हैं उसी से संबंधित हम कार्य करते हैं। सन व्यवसाय शिक्षा के बारे में हम कहें कि हम जो शिक्षा लेते हैं, हम कैसे लेते हैं, ये एक दूसरे से हमारे किस तरह से जुड़े हुए हैं, सन व्यवसाय कैसे बनाती है हमें। हम ये माने हम चिकित्सक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हम कैसे बनते हैं, हम उससे संबंधित शिक्षा ग्रहण करके हम डॉक्टर बनेंगे तो हम मेडिकल क्षेत्र को चुनेंगे, हम उससे संबंधित हमारी शिक्षा ग्रहण करेंगे, उससे संबंधित ही हम ट्रेनिंग लेंगे। हम अगर एक लॉयर बनेंगे तो हम उसी से संबंधित शिक्षा ग्रहण करेंगे। यानी कि ये क्या है, ये भी तो हमारे कमर्शियल व्यवसायिक है। चाहे हम चिकित्सक बने, हम इंजीनियर बने, हम वकील बने, ये सब, हम चार्टेड अकाउंटेंट बने, ये क्या है हमारे लिए, हमारे लिए ये विषय का जो हम चयन करते हैं, क्यों करते हैं हम इस क्षेत्र में जाने के लिए, कि भविष्य में आने पर ये हमारे लिए स्वयं पर आधारित होकर ये हमारे लिए एक आजीविका का साधन बने। तो यही सन व्यवसाय पर आधारित शिक्षण होती है, जो कि हम स्वयं शिक्षा लेकर, हम स्वयं पर आधारित रहकर उस कार्य को, उससे संबंधित हम कार्य करते हैं और उस शिक्षा को हम ग्रहण करके हमारे लिए जीविकोपार्जन का इसको साधन बना लेते हैं। यही हमारी शिक्षा के लिए हम कहेंगे। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जो सन व्यवसाय शिक्षा है वो शिक्षा के बिना संभव नहीं होता है, शिक्षण के बिना संभव नहीं होता, क्योंकि हमने बताया भी था बच्चों कि जैसे शिक्षा हमारी हम कभी भी हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरीके से हमारे शिक्षा में जो शिक्षण होता है उसे हमें गतिशील बनाने के लिए, मैंने बताया था किस तरह से हम गतिशील बनाते हैं, यानी कि उसे किस तरह से हमें विकसित करना है। अगर विकसित करना है तो गति तो करनी होगी, हमें चलना तो होगा ही, तो अगर उसे गतिशील बनाना है तो जब तक अगर शिक्षा को हम एक व्यवसाय के आधार पर नहीं जोड़ेंगे तब तक वो शिक्षा हमारे लिए गतिशील शिक्षण नहीं बन पाएगा। इसीलिए शिक्षण को गतिशील बनाना है तो भी हमें सन व्यवसाय बनाना रहेगा। इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि जो अध्यापन हमारा जैविक प्रकृति होता है, अर्थात इसका विकास हम इसे सहज ढंग से कर सकते हैं, किस तरीके से, जब हम शिक्षण को गतिशील बनाएंगे, सन व्यवसाय यानी कि शिक्षण को हम सन व्यवसाय बनाएंगे तो वो शिक्षण हमारी गतिशीलता प्रदान होती है उसको, वो आगे बढ़ती है, वो हमारे लिए हमारे जीविकोपार्जन का साधन बनती है, जिससे हम हमारा, जहाँ कहते हैं कि हम शिक्षित होते हैं और शिक्षित के साथ साथ हम हमारा जीवन भी अपन
करते हैं, उससे हमें हमारी आर्थिक जो हमारा पक्ष है वो भी हमारा क्या होता है, मजबूत होता है। अब बच्चों जो हमारी आज की जो शिक्षा है, आज का जो हमारा शिक्षण है, उसकी दृष्टि से हम मानते हैं कि हमारी शिक्षण कैसा है, आजीविका का साधन वो कैसे है, ये देखिए। सबसे पहले हम कहेंगे विशेष बौद्धिक एवं शैक्षिक प्रशिक्षण। हम जब शिक्षण को संघ व्यवसायी बनाते हैं, संघ व्यवसायी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, यानी कि शिक्षा को, जो शिक्षा हम ले रहे हैं उस शिक्षण को हमें उच्च स्तर पर पहुंचाना, अर्थात बौद्धिक स्तर पर, जिसे कि हम समझ सके, यानी कि हमें ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी है, ऐसा शिक्षण हमें करवाया जाए जो कि हमारी बौद्धिक क्षमता को ऊंचा करे, यानी कि जिस विषय से संबंधित हम ज्ञान ले रहे हैं उसमें हमारी जो बौद्धिक क्षमता है उसका इस तरीके से उच्चतम स्तर होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रयोग हमें किस तरीके से करना है ये हमें कौन सिखाएगा, हमें हमारी बौद्धिक क्षमता ही सिखाएगी। और दूसरा इसमें है शैक्षिक प्रशिक्षण, और फिर उसी से संबंधित हमें क्या लेना है, हमें प्रशिक्षण लेना है, उस बौद्धिक क्षमता के अनुसार हम उस चीज का शैक्षिक प्रशिक्षण हम लेते हैं। दूसरा है समाज, हमारी जो शिक्षा सबसे पहले आजीविका का साधन या संघ व्यवसायी बनी है तो उसका एकमात्र सबसे पहला हमारा समाज है, क्योंकि हम समाज में हमारी आवश्यकताओं के आधार पर ही हम क्या लेते हैं, हमारी शिक्षा लेते हैं, समाज में रहते हुए समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए, क्योंकि मनुष्य स्वयं एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज से दूर नहीं रह सकता, उस समाज में रहते हुए जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन ही किसका बनती है, कहते ना परिवर्तन हमारे आविष्कार की जननी है, तो जो समाज में जो परिवर्तन होते हैं, या कहे हम कि जो समाज में हमारी आवश्यकता होती है उसे वही आवश्यकताएं मनुष्य के लिए एक उसके लिए एक कहते ना उसका आज जीवन यापन मात्र का साधन रह जाती है, कि हमें किस तरीके से उस समाज में रहते हुए जीवन यापन करना है, तो वो उसी तरीके से उसी से संबंधित वो शिक्षा और ज्ञान ग्रहण करते हैं, क्योंकि समाज हमारे व्यक्ति का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है, समाज में उसे किस तरह से रहना है, समाज में जो आवश्यकताएं वही आवश्यकताएं उसके श्रम की होती है, तो जो आवश्यकता हमारी डिपेंड है वो किसके आधार पर है, समाज के आधार पर, इसीलिए समाज के लिए वो हमारी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। फिर आता है हमारा उच्च स्वायत्तता, यानी कि इसके लिए हम पढ़े उच्च स्वायत्तता, कि किस तरीके से जो अभी कही थी हमें स्वयं आधारित, कि किस तरीके से इस शिक्षा को हम स्वायत्तता प्रदान कर सकते हैं, उच्च स्वायत्तता प्रदान कर सकते हैं, उच्च स्तर पर स्वयं आधारितता का हम किस तरीके से इसे आगे ले जा सकते हैं, कि किस तरीके से ये शिक्षण हमें आगे बढ़ा सकता है, हमें एक उच्च स्तर पर जाने के लिए, या हम कहें कि व्यक्ति की प्रोग्रेस किस आधार पर हो सकती है वो भी हमारा शिक्षण ग्रहण करता है, यानी कि आज की जो शिक्षा है हमने देखा है हम बीए करते हैं, बीए के बाद में हम पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे तो भी हम क्या लेंगे, हम कोर्स करेंगे, चाहे हम कोई चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के लिए हम, अगर हमें टीचर बनना है तो उससे संबंधित हम प्रशिक्षण लेंगे, यानी कि हम उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वही उच्च स्तर पर हम स्वयं आधारित, यानी किस तरीके से हम उच्च उस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, ये हमारा शिक्षण हमें करता है, तो वो हमें उच्चता प्रदान कर देता है, जिसे हम कहें कि हम जहां पीएचडी लेवल का हम नेट का, आज आपने देखा है कि हम नेट का जो हम एग्जाम दे रहे हैं वो भी किस लिए दे रहे हैं हम, क्योंकि वो शिक्षण, जो शिक्षण की प्रक्रिया है, जो शिक्षक है उनके अंदर एक उच्च स्वायत्तता का गुण का विकास करना चाह रहे हैं, यानी कि हमें किस तरीके से एक अच्छे और शिक्षक का प्रभावी शिक्षक बनना है, यानी कि अध्यापन में जो समाज को किस तरीके से समाज उपयोगी है, या समाज के लिए हम किस तरह से उपयोगी बनते हैं, हम राष्ट्र में जो शिक्षक किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं, ये सब हमें ये चीज सिखाई जा सकती है। नेट के लिए हम कह देते हैं कि हमारी जो अध्यापन वृत्ति है उसको उच्च स्तर की स्वायत्तता प्रदान करने के लिए हम इस चीज को पास करते हैं कि जो हमारी विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जो हम पाठ्यक्रम हमारा परिवर्तन होता है, समय सारणी हम बनाते हैं, अनुदेशन उद्देश्यों की हम पहचान करते हैं, हम शिक्षण विधि तय करते हैं, और हम क्या करते हैं उसके लिए एक मूल्यांकन, एक मानदंड चयन करते हैं, इन सब चीज का हम कब चयन करते हैं, जब हमारे अंदर खुद के अंदर, स्वयं के अंदर उस चीज का ज्ञान होता है, तो इन चीजों का हमें
ज्ञान प्रदान हमारी शिक्षा के माध्यम से करवाया जाता है। आगे हम कहें कि विशेष कानूनी अधिकार, आज के टाइम पे हमने देखा है कि शिक्षा ग्रहण करना सबका कानूनी अधिकार है, क्योंकि एक तरीके से हम कहें कि आज हमें अनपढ़ रहना या अशिक्षित रहना एक हमारे, अगर हमारे कानून ने हमें ये हमारे लिए कानून का एक अधिकार बनाया स्वतंत्रता का, कि हम हमारी शिक्षा का प्राप्त करने का हमें पूर्ण अधिकार है, हम एक शिक्षित नागरिक बने, इसके लिए हमें कानून ने भी स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है। क्योंकि एक कहा जाता है कि एक जो हमारे शिक्षित व्यक्ति होता है वह एक सभ्य समाज की रचना करता है। जब मनुष्य खुद शिक्षित नहीं होगा तो वो सभ्य हमारे समाज का किस तरीके से निर्माता रहेगा। जिसे हम कहते हैं कि हमारे जो आज की पीढ़ी है वो हमारी भावी राष्ट्र निर्माता है, तो उसे अगर हमें भावी राष्ट्र निर्माता बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले उसे शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो ये शिक्षा ग्रहण करने का ये हमारा एक कानूनी अधिकार है। फिर आता है हमारा इसमें व्यवहार को किसी संस्था के द्वारा नियमित करना। हम मानते हैं कि जब हम शिक्षण ग्रहण करते हैं, जब हमें शिक्षण करवाया जाता है, तो शिक्षण करने के लिए हम आज किसी ना किसी संस्था के अंतर्गत हमारा प्रवेश हम लेकर और हम उसके अंदर एक जो नियम होता है हमारा उसमें नियमित रहते हुए हम उस ज्ञान को प्रदान करते हैं और उसी ज्ञान को हम अपने व्यवहार में लेते हैं। तो इसीलिए व्यवहार को किसी संस्था द्वारा नियमित करना होता है, यानी कि जो हम कार्य करते हैं उस शिक्षण से, जो शिक्षण हमें करवाया जा रहा है, जो शिक्षा हमें दी जा रही है उससे संबंधित हम जो वो कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य हम किसके अंतर्गत रहते हुए कर रहे हैं, उस संस्था के अंतर्गत रहते हुए हम वो कार्य कर रहे हैं। यानी कि वो संस्था जिसमें हमने प्रवेश लिया है, जो हमें शिक्षण करवाया जा रहा है, वहां से हम उसके जो नियम निर्धारित होते हैं उसके आधार पर हम कार्य करते हैं। तो व्यवहार क्या होता है हमारे, इसके अंदर हमारे व्यवहार भी हम उसी तरीके से नियमित, उसी तरह से हम संचालित करते हैं। एक चीज मैंने कही आपको कि अगर हम शिक्षण के लिए कहते हैं, कई बार ये कहा जाता है कि शिक्षा जो हम, ये हमारी सोच थोड़ी सी ये हो जाए कि जो टीचर है वो जन्म जाता है, लेकिन ये चीज हम नहीं मानते। ये कहा जाता है ए टीचर इज बॉर्न नॉट मेड, यानी कि हम ये कहें कि शिक्षा जो शिक्षक होता है वो कैसे होते हैं, जन्मजात, यानी इनके अंदर कहीं ना कहीं वो भावना पहले से ही विकसित होती है, सिर्फ हमें उसके लिए एक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिसे हम कहें कि हमें जिस स्टेशन पे पहुंचना होता है उसके लिए हमें किसी साधन की आवश्यकता होती है। अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो जाने के लिए हमें क्या होगी, उस साधन की आवश्यकता होगी। वही यही यहाँ पर है कि शिक्षक जन्मजात होंगे, यानी उसको बनाया नहीं जाता है, शिक्षक जन्मजात है, लेकिन उनके अंदर जो गुणों का हम प्रसार करते हैं वो गुण हमें उसके अंदर विकसित करना होता है। इसीलिए हम कहते हैं ए टीचर इज बॉर्न नॉट मेड, यानी कि टीचर को हम, टीचर जन्मजात होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। यानी कि कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं कि उनके अंदर ये गुण पाया जाता है कि वो शिक्षक बने, लेकिन बस हमें उन्हीं के अंदर उन गुणों का जो समावेश करना होता है जो एक अच्छे शिक्षक के लिए हो। शिक्षण के संबंध में ये सुनिश्चित करना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है कि उसमें ये सभी लक्षण समावेशित हो, फिर भी शिक्षण के अध्यापन में हम जो समाज में हमारे लिए जो योगदान होता है उस वो योगदान शिक्षक हमेशा पूरी पूरी तरह से निभाते हैं, ऐसा शिक्षक करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे लिए कहते हैं कि यही आज के टाइम पे, और हम ये देखें कि शिक्षण के लिए हमें कौशलता प्रदान करता है किसी कार्य को करने के लिए। मैंने एग्जांपल दिया आपको, आज हम नेट जो शिक्षक की लास्ट हम ये कहें कि उच्च स्तर का जो ये पात्रता परीक्षा है हम इसे पास करते हैं, क्यों करते हैं, उस अध्यापन कौशलता का विकास करने के लिए कि किस तरीके से हम उस उच्च स्तर के कौशलता को हासिल कर सकते हैं। ये था बच्चों हमारे शिक्षण की एक सन व्यवसाय के बारे में। क्वेश्चन आ सकते हैं कि शिक्षण एक सन व्यवसाय कैसे है, उसका आप आंसर दे सकते हैं। ये भी पूछ सकता है आपको, ये जो आपकी पार्टीशन मैंने अलग से लिखी कि ये टीचर इज बॉर्न नॉट मेड, ये भी पूछा जाता है कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो आप ये कह सकते हैं शिक्षण सन व्यवसाय। तो ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न से संबंधित आपके बनते हैं, इनमें से काफी प्रश्न बन सकते हैं कि विशेष बौद्धिक और शैक्षिक प्रशिक्षण किसके माध्यम से, तो आप कहेंगे सन व्यवसाय। ये सन व्यवसाय कैसे शिक्षा है, तो आप कह सकते हैं आधुनिक शिक्षा है। यानी ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रश्न हमारे नेट में घुमाकर आपसे पूछे जाते हैं।
तो उसका उसके लिए आप ये जो प्रत्येक इसके बिंदु है उन्हें आप ढंग से देखें। अब आता है हमारा शिक्षण विज्ञान और कला। ये भी हमारी विशेषता है कि किस तरीके से हमारा शिक्षण एक विज्ञान बन जाता है, एक कला बन जाता है। हम ये मानते हैं बच्चों, जो ज्ञान हमने ये चीज पहले मानी कि जो ज्ञान क्रमबद्धित होता है, जो ज्ञान प्रमाणित होता है, वो ज्ञान एक तरीके से क्या होता है, हमारा वैज्ञानिक ज्ञान होता है। जो हमारा वैज्ञानिक ज्ञान होता है यानी कि उसको हम क्रमबद्ध भी करते हैं तो वो हमारी कला भी है, हमारा विज्ञान भी है। ये कहते हैं कि ज्ञान जो प्रमाणित है वो ज्ञान हमारा कौन सा है, विज्ञान है। ये चीज हम मानते हैं कि जो सत्य होता है, जो सार्वभौमिक होता है, वो भी विज्ञान है। ये चीजें छोटी छोटी चीजें मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ। अब हम इसके लिए देखें कि जो हमारा शिक्षण है वो विज्ञान कैसे है। सर्वप्रथम कि यह एक व्यवस्थित ज्ञान होता है। ज्ञान कैसा होता है, ये व्यवस्थित होता है, जिसे हम किस तरीके से हमें क्रम के अनुसार चलाना है उसे हम व्यवस्थित करते हैं। विज्ञान की इसमें सबसे अहम भूमिका होती है, क्योंकि जो व्यवस्थित ज्ञान को करते हैं वो हमारे विशेषज्ञ होते हैं, जिसे हम कहें कि हमारे विषय विशेषज्ञ। तो हमें जो ज्ञान को व्यवस्थित करते हैं वो हम एक विज्ञान की देन मानते हैं। सेकंड है हमारा निरीक्षण और परीक्षण, यानी कि हम जो निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित जो सिद्धांत होते हैं हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम उनकी नॉलेज के बारे में जानते हैं, निरीक्षण करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण करना मैंने आपको बताया था कि जांचते कहाँ पर है, परीक्षण कहाँ करते हैं, विज्ञान में। तो ये उस सिद्धांत पर यानी कि जो सैद्धांतिक ज्ञान है, पहले भी बताया था कि सैद्धांतिक ज्ञान हमारा वैज्ञानिक ज्ञान है। तो इसके अंदर ये सिद्धांत है, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, जिस चीज को हमने किया है उससे पहले निरीक्षण करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, उसको जांचेंगे, तो ये हमारे इस सिद्धांत पर आधारित होता है। फिर आता है हमारा कारण और परिणाम का संबंध। हमारी जब समस्या उत्पन्न होती है तो हम कार्य करते हैं, इस चीज को मानते हैं। तो ये जो बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है और उसका जो परिणाम हमारे पास निकल कर आता है, उन दोनों का संबंध भी एक विज्ञान होता है। क्योंकि जो कारण हमारे लिए हमने चुना है, जो विषय वस्तु बनी है हमारे कारण, उससे संबंधित हम अनेक क्रियाएं करते हैं और उससे जिस पर हम कार्य करते हैं उससे संबंधित जो हमारा निष्कर्ष निकलता है, अगर इन दोनों में कोई संबंध नहीं होता है तो हम क्या मानेंगे कि हमारा किया हुआ कार्य महत्वहीन है या हम उसे हमारा गलत करार देंगे। तो ये कहते हैं कि जिस जो हमारा कारण और परिणाम दोनों में अगर संबंध नहीं हो तो वो काम वो कार्य ही नहीं होता। अगर हम ये माने कि कारण और परिणाम का संबंध, जिस जो हमने समस्या चुनी उसी के आधार पर हमारा परिणाम निकल कर सामने आता है, वो भी हमारी एक विज्ञान की देन है। क्योंकि उससे संबंधित जो हम विभिन्न क्रियाएं करते हैं, जो समस्या चयन की, फिर हमने उसको किस तरह से व्यवस्थित करके क्रमबद्ध किया, उसके लिए हम किन किन विधियों का प्रयोग किया, किन किन उपकरणों का प्रयोग किया, ये सब चीजें हमारे इस कार्य को शुरू करने से, और एंड में ये जो सारी क्रियाएं होती हैं, इसके बाद में हमारे सामने निकल कर क्या आता है, परिणाम। तो वो परिणाम का संबंध किससे होता है, कारण का। अब हम इसमें नेक्स्ट देखें कि जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, सार्वभौमिक सिद्धांत यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो सत्य है, और ये चीज हम मानते हैं कि जो सत्य है वो हमारा विज्ञान है। तो ये उसी लिए कहते हैं कि सार्वभौमिक सिद्धांत जो होता है हमारा यानी कि सत्य पर आधारित, वो भी हमारे विज्ञान की देन है, क्योंकि विज्ञान मानता ही उसको है जो कि सत्य होता है। फिर है भविष्य संबंधी घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाना, यानी कि हमारे भविष्य में हमारे साथ कौन सी, यानी कुछ हमारे कार्य ऐसे होते हैं। आज हम सिंपल तौर पर हम शिक्षा को ले लें, जो हम शिक्षण जो हम कर रहे हैं, हमें शिक्षण करवाए जा रहे हैं, उससे संबंधित हमारी कुछ घटनाएं, या हम कहें कि शिक्षण को हमारा भावी जीवन चुनने हम चुनते हैं। कैसे करते हैं, उसके लिए हम ये देखें कि हमारे भविष्य में हमने जो आज हमने शिक्षक की ट्रेनिंग हम लेते हैं, तो उसके लिए हम भविष्य के बारे में सोचते हैं कि हम एक अच्छे टीचर बनेंगे। तो हम इसका पूर्व में अनुमान लगाना शुरू हो जाता है कि क्या हम, हमारी मेहनत और हमारा कार्य हमें ये बता देता है कि क्या हम बन सकते हैं या नहीं। तो वही चीज है कि भविष्य संबंधी घटनाओं का पूर्व में अनुमान लगा लिया जाता है। अब हम सिंपल तौर पर देखें कि कुछ जो हमारी ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित हमारी जो घटनाएं होती हैं, हमारे पर्यावरण से संबंधित कुछ घटनाएं होती हैं,
फॉर एग्जाम्पल हम ये देखें कि हमारे मौसम की जानकारी कैसे हम आने वाले मौसम की जानकारी के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो विज्ञान के देन है। वो वैज्ञानिक उस चीज का जो भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है या कहें कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का वो पूर्व में अनुमान लगा लेते हैं। हम देखें मौसम परिवर्तन, हम देखें जो हमारे ज्वालामुखी वगैरह उठते हैं, इनका हमारे कहीं ना कहीं कैसे विज्ञान की तो देन है, तभी तो हम आने वाली घटनाओं का हम थोड़ा पूर्व में अनुमान लगा लेते हैं। तो यही चीज है कि जो पूर्व भविष्य में होने वाली घटनाओं का अगर हम पूर्व में अनुमान लगाते हैं तो ये हमारे विज्ञान की देन होती है। अब इसे हम माने कि शिक्षा हमारा कला भी है। तो कला कैसे माना है हमने शिक्षण को? शिक्षण के लिखा है कि शिक्षा को अगर गतिशील और गतिशील बनाना है तो उसका जो व्यवहारिक रूप लेते हैं वो हमारा कला की देन होती है। यानी कि हमें जब हम उस चीज को आगे बढ़ाते हैं तो हम उस कार्य को हमारे व्यवहार में लेते हैं, नित प्रतिदिन हम उस कार्य को करते हैं तो वो हमारे कला का हिस्सा बन जाती है। ये हमारे शिक्षण का एक शिक्षण की कला हो जाती है। अब ये है कि जो हमारा शिक्षण का व्यवहारिक पक्ष होता है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि शिक्षण का जो व्यवहारिक पक्ष होता है वो कैसा होता है? कलात्मक। और हमने देखा जो उसका एक जो द्वितीय पार्ट होता है वो होता है विज्ञान। तो कहते हैं व्यवहारिक सैद्धांतिक तो होता है वैज्ञानिक, और कला पक्ष होता है इसका कौन सी? जो हमारे इसका व्यवहारिक पक्ष होता है ये हमारी कला की देन है, और इसका जो सैद्धांतिक पक्ष होता है, सैद्धांतिक पक्ष हमारा वैज्ञानिक होता है, यानी कि ये विज्ञान की देन। जिस पर नियम लागू होंगे वो हमारा विज्ञान है, कला जो हमारे व्यवहार में होगी वो हमारी कला होगी। यानी कि हम देखें कि जो हम चिकित्सक, जैसे हम ये माने कि एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं हम, तो जो हम उसके लिए जो सिद्धांत, जो हम प्रवेश लेकर उसके लिए कार्य कर रहे हैं, जो डिग्री हम सिद्धांत के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं वो हमारा वैज्ञानिक है। लेकिन जब जब हम उसको नित्य हमारे काम में लेना शुरू कर देंगे तो वो हमारी एक कला बन जाती है। जहां हम कहते हैं कि शिक्षक के लिए भी एक जो शिक्षण करवाते हैं वो उनकी कला होती है कि किस तरीके से उन्हें आगे, किस तरह से वो टीचिंग करवाते हैं। जहां उन्होंने प्रशिक्षण लिया वो एक सैद्धांतिक वैज्ञानिक ज्ञान हो गया, लेकिन जब वो बनकर तैयार होकर उसे प्रयोग में लेने लगे हैं तो किस तरीके के शिक्षण बनेंगे उनकी एक कला होती है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो व्यवहारिक पक्ष होता है वो कला की देन होती है, और हमारा सैद्धांतिक जो पक्ष होता है वो हमारा विज्ञान की। एक कला के लिए हम कहते हैं कि जब तक सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो कला उसे नहीं मानती। यानी कि जब तक सही परिणाम सामने ना आए, तो परिणाम जब तक सामने नहीं आएंगे, सार्थक नहीं होंगे, हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा, यानी कि जो कार्य हमारे लिए उपयोगी है, सार्थक है, वो हमारे लिए कला है। अगर जो चीज हमने सीखी वो हमारे लिए अनुपयोगी है, हम जब उसे व्यवहार में नहीं ले रहे, अपने दैनिक जीवन में काम में नहीं ले रहे, तो वो हमारे लिए कहाँ रह गई? सिर्फ एक हमारी विज्ञान बन के रह गई, वो हमारी कला की देन नहीं है। कार्य को व्यवहार में लाने का कार्य भी हमारी कला का ही देन है कि किस तरीके से हमें कार्य करना है। ये हमें कौन सिखाता है? हमारा व्यवहार, जो हमारा व्यवहार होता है कार्य करने का तरीका, कि हमें किस तरीके से करना है, ये भी हमारी एक कला होती है। हम माने एक मूर्तिकार को हम जहाँ मूर्ति बनाना सिखाते हैं और उसके बाद में जब उसको अपने दिन प्रतिदिन वो अपनी कला में कार्य करने लगता है, व्यवहार में लेता है, तब उसके अंदर और ज्यादा निखर कर काम करने की कला आती है। तो ये हमारा होता है एक कला, कहते हैं कि शिक्षण हमारी कला है। तो आज हम इस चीज को भी हमने देखा कि शिक्षण हमारा विज्ञान भी है और शिक्षण हमारी कला भी है। प्रथम देखी थी हमने कि शिक्षण एक संव्यवसाय है, और दूसरा देखा था हमने शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है। तो ये थी हमारे आज के हमारे शिक्षण की विशेषताएं। धन्यवाद।